सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्ती में। तो गाइस, आज का ब्लॉग भी कुछ हमारा ऐसा ही रहने वाला है, मस्ती वाला। और गाइस, आपको बता दूं, मैं हम एज ए बाराती भी जा रहे हैं यहाँ से। एक हमारे भाई हैं, उनकी बारात जा रही है यहाँ बिलासपुर से किन्नौर सांगला वैली। तो गाइस, वहाँ पे हम आपको वहाँ की परंपराएं भी दिखाते रहेंगे, बीच में हमारा मस्ती वाला सफ़र भी, वो भी आपको दिखता रहेगा। और बाकी आपको लास्ट में आगे जाके हम दिखाएंगे चितकुल, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। तो गाइस, हम फुल एक्साइटमेंट में हैं और आप भी बने रहें, आपको बहुत अच्छे हम ब्लॉग में अच्छे अच्छे व्यू और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे चमाकड़ी पुल, जो कि शिमला से 30 या 40 किलोमीटर पीछे है एक जगह। तो यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए लेने वाले हैं और यहाँ पे चाय भी हम पी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये गाइस, हमारे भाइयों ने खाने के लिए चीज़ें ले ली हैं, जितनी भी अपना सारा स्टॉक अपने अपनी पसंद का। तो मज़ा बहुत आ रहा है और आगे बहुत आने वाला है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे दूल्हे राजा, देखो कैसे सज धज के बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे गाइस। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे शिमला। अब शिमला से हम आगे जाके थोड़ा रुकेंगे और आज तो हम करेंगे स्टे रामपुर बुशहर में, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, तो उसके वहाँ हम आज रुकेंगे गाइस। और नेक्स्ट डे हम निकलेंगे किन्नौर सांगला वैली को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारी कैसी मस्ती वाली जर्नी चली हुई है। तो कुछ ही देर में हम नारकंडा में होंगे और उसके बाद कुमारसैन और सीधे फिर रामपुर बुशहर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे आज हमने स्टे करना है अपने दोस्त के वहाँ। फिर नेक्स्ट डे हम आपको रामपुर बुशहर से किन्नौर सांगला वैली की जर्नी दिखाएंगे। तो आप मस्ती हमारी देखते रहें और इन्जॉय करते रहें हमारा ब्लॉग गाइस। इस गाने के लिरिक्स से आपको पता ही लग गया होगा गाइस कि हम कहाँ पहुँचे। तो दोस्तों, हम हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के सबसे सुंदर और सबसे ठंडे प्लेस में, जिसको कहते हैं नारकंडा। ज्योरी 122 बोल रहा है वो ज्योरी बाबा नगर 149। अभी है हम रुके कुमारसैन, तो यहाँ पे लगता है शायद दूल्हे के सूज गंदे हो गए, उनको ठीक किया जा रहा है। तो अब हम सीधे रामपुर में रुकेंगे गाइस। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रामपुर बुशहर में। तो यहां से थोड़ा आगे जाके हम लेंगे लेफ्ट टर्न और ये जो राइट साइड रोड है ये गए सीधा किन्नौर को गाइस। तो अभी है हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में और जैसे ही हम इस पुल को क्रॉस करेंगे जो अभी आने वाला है, तो हम सीधे हो जाएंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर। तो क्यों ना आपको कुल्लू की थोड़ी सी सैर कराई जाए।
तो अभी हूँ मैं अपने दोस्त के रूम में, वो तो सो गया है आपकी, मैं उससे मुलाकात नहीं करा पाया क्योंकि वो भी थका हुआ था। बाकी मैं सुबह कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मुलाकात कराऊँ उससे। बाकी अभी हम सोने जा रहे हैं गाइस, क्योंकि टाइम भी 2 बजे के ऊपर का हो गया है। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं अभी बिल्कुल अच्छा हूं। तो आज की सुबह रामपुर बुशहर के साथ हुई, तो ये है रामपुर बुशहर, बहुत ही सुंदर। और अभी हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, तो आगे जाके हम थोड़ा रुकेंगे, बारात का वेट करेंगे, फिर वहां पे ब्रेकफास्ट। तो आज का जो रहेगा व्लॉग वो तो आपको पता ही है, किन्नौर के रास्ते और अच्छे अच्छे नज़ारे गाइस। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। रामपुर से थोड़ा सा आगे गाइस हम रुक गए हैं, बारात का और दूल्हे का वेट किया जा रहा है, और झाकड़ी में हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। अभी है हम रुके झाकड़ी में ब्रेकफास्ट करने को, तो अब हम सीधे चलेंगे किन्नौर को। जैसे कि आप देख रहे हैं दूल्हा भी आ गया है ब्रेकफास्ट करके। अभी पहुंचे हम ज्योरी, जहाँ पे भीमाकाली टेंपल भी है दोस्तों। शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी यहाँ पे समाप्ति होती है, जो सीमा है उसकी समाप्ति होती है, और किन्नौर जो जिला है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है दोस्तों। तो अभी हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री मार चुके हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके बीच में आता है माता तारंडा देवी जी का मंदिर। और दोस्तों यहाँ की मान्यता ऐसी है कि जो भी गाड़ियाँ किन्नौर के लिए जाती हैं उनका यहाँ पे रुकना और माता तारंडा देवी जी का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। माता तारंडा देवी जी का आशीर्वाद लेके दोस्तों अब हम सीधे निकल रहे हैं सांगला वैली की तरफ। तो अब दोस्तों जो आगे एक स्टेशन आने वाला है उसका नाम है करछम, हम उससे 20 किलोमीटर पीछे हैं अभी।
गाइज अभी हम पहुंचे करचम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये प्लांट दोस्तों 1045 मेगावाट की बिजली बनाता है। बाकी जो आगे बसपा प्लांट आएगा वो 300 मेगावाट की बिजली बनाता है। अभी कर रहे हैं हम करचम ब्रिज क्रॉस गाइस, और ये जो सामने आपको डैम दिख रहा है ये है करचम डैम। तो यहीं पे बिजली तैयार की जाती है, और आगे से लेंगे हम अब लेफ्ट गाइस सीधा सांगला वैली की तरफ। तो ये है दोस्तों JSW कंपनी का बसपा प्लांट जो कि 300 मेगावाट बिजली बनाता है, जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया था जहां हम करचम डैम की बात कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम नेशनल हाईवे को छोड़ के लिंक रोड में आए, और इस दोस्तों ये लिंक रोड सांगला वैली और छितकुल तक आपको ऐसा ही मिलेगा। हमने पीछे कुछ लोगों से पूछा था जो यहाँ के लोकल लोग थे, तो उन्होंने बताया आपको छितकुल और सांगला वैली तक ऐसा ही रोड मिलेगा। तो अब रहता है दोस्तों सांगला 11 किलोमीटर। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके हमको आया जो बारात हमारे साथ जा रही है, उनका कॉल आया कि आगे जाके एक शिव मंदिर आएगा, उसके आगे आपको गाने बंद करने पड़ेंगे जो गाड़ी में लगे हैं। तो हमने वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने बताया। अब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया यहाँ के लोगों की जो मान्यता है वो है ऐसी, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा हमको करना पड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं शिव जी का मंदिर आ गया है, तो हमने कार में लगे म्यूजिक को बंद कर दिया है। यहाँ पे हो गया है गाइस दो गाड़ियों का एक्सीडेंट। अब आगे जाके देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे हुआ गाइस एक्चुअली ऐसा, यहाँ पे ऊपर से पत्थर आ गया नीचे से फिर चट्टान, तो सिंगल साइड गाड़ी जा रही है। तो दोस्तों अभी रहता है सांगला 5 किलोमीटर, और हम बहुत ही जल्दी आपको सांगला वैली बहुत सुंदर घाटी किन्नौर की दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहें एक्साइटमेंट के साथ दोस्तों, और हमारी एक्साइटमेंट भी अब बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि हम सांगला वैली देखने वाले हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सांगला वैली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे सुंदर घाटी जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहां की हाइट 8900 फीट है, और यहां पे आम तौर पे जो यहां का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। तो गाइस यहां पे होता है मेरा ब्लॉग कंप्लीट जो कि बिलासपुर से सांगला वैली तक का था। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा किन्नौर और बिलासपुर की मैरिज, एक साथ आपको दोनों डिस्ट्रिक्ट की परंपराएं दिखाऊंगा मैं, और लास्ट में आपको छितकुल भी लेके जाऊंगा।
और गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ कर देना गाइस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।